What is your experience? What is your second year experience? Was awesome. ये जो मेरा बीच पे है अभी हम एंड बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है हम लोगों को. मीन्स इतनी गर्मी में होने के बाद भी हमें गर्मी फील नहीं हो रही है तो बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत इन्जॉय कर रहे हैं. Any experience? Today we are in beach. So काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा. लिटरली अगर पास्ट की बात करें तो जब हरपाल सीनियर और उन लोग का हम सुनते थे हरमीत जी का, तो मेनली हमें ये लगता था कि यार हम भी, हमारा भी टाइम आएगा, हम लोग भी जाएंगे. एंड यूजुअली टुडे इज़ दैट डे कि हम लोग आज दुबई के अंदर हैं एंड हमने जो वीडियोज़ को हम लोग हमारे अपलाइंस की सुनते थे एंड आज हमारे सामने वही सारा फीलिंग है. सेम मेरे साथ कांची सीनियर है एंड कांची सीनियर का व्यूज देखते हैं कैसा रहा है. यहाँ पर बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है. मेरा नाम कांची है, मैं लुधियाना पंजाब से हूँ और सोचा नहीं था कभी 41 बन के इतना सारा इन्जॉयमेंट होता है, लेकिन आज लाइफ में वो चीज़ें रियलाइज़ हो रही हैं कि वाकई में अगर इस इंडस्ट्री में आयो ना गाइस, प्लीज़ कुछ अच्छा करो ताकि आप भी अपना रैंक प्रमोट करो. लड़कियों के लिए मैं खासकर ये चीज़ बोलूँगी, आज हम इतने सारे बॉयज़ के अंदर ओनली 5 गर्ल्स हैं, ठीक है, और बहुत ज़्यादा इन्जॉयमेंट हो रहा है. अभी आगे सोचा नहीं और कितना होगा, उम्मीद से ज़्यादा बढ़ गया. थैंक यू सो मच. हेलो गाइस, आई एम प्रियंका. टुडे वी आर इन जुबेरा बीच, सो वी आर लॉट्स ऑफ इन्जॉय इन देयर इन दुबई जुबेरा बीच. देयर इज देयर आर लॉट्स ऑफ मार्क्यूज एंड ड्यूक्स. We are very fun in Jubera Beach. Thank you so much. I wish you will improve your rank. Then you must be enjoy there. What is your experience? Video. Video. तारे मुझे इस बिजनेस में 3 साल हो चुके हैं. Then Jubera Beach के बारे में हमने सुना था, but आज उसको हमने देखा भी है. Then it's lovely. Thank you so much. Our shot. Then आज हमारे यहाँ पे building है. शायद हम लोगों ने इस पे net पे देखा होगा, but आज हमने इसको first time देखा. हमने सोचा भी नहीं था कि इतना अच्छा experience हमें यहाँ पे मिलेगा. Then thank you our short community. Okay. काफ़ी अच्छा लगा, एंजॉय किया. फर्स्ट ट्रिप था, बहुत कुछ सीखने को मिला था. पहली बार ये चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहे हैं. थैंक यू सो मच. ओके मार्क्यू करण जी, थैंक यू सो मच. आई सॉट आज हम दुबई के बीच पर घूम रहे हैं और बहुत एक्साइटेड हैं. थैंक यू सो मच. योर एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस सीनियर पूरा गुड है, ठीक है. और सेकेंडली मैं थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करना चाहता हूँ. जगतार सीनियर ने इससे पहले किया. मैं एक इंजीनियरिंग प्रोफेशन से आया हुआ पर्सन हूँ और सेकेंडली इस इंडस्ट्री के अंदर मेरा 3.5 साल का एक्सपीरियंस है. आज की डेट में हम ए शॉट की वजह से दुबई ट्रिप पे आए हैं और दुबई के अंदर आज हम जुमेरा बीच पे खड़े हैं और सामने जो आपको होटल दिख रहा है, इस होटल का एक दिन का खर्चा अप्रॉक्स 4,000 दिरहम है, राइट. अप्रॉक्स हमारे इंडिया के हिसाब से आप खुद निकाल के रुके 60 से 70 हज़ार के इन्वेस्टमेंट है. फर्दर इस कंट्री में आने का मेन रीज़न क्या है कि हम अपने आप को, अपनी बाउंड्री लाइंस को और ज़्यादा अपग्रेड करें और उन्हें और बढ़ाएं. बिकॉज हर इंसान दायरे में सोचता है और दायरे को पार करके आप आगे निकलोगे तो आपको दुनिया देखने का मजा आएगा. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू एयरशॉट. एमिरेट्स उनके नाम पे ये रखा गया है. शेख खलीफा जो है उनके नाम पे ये रखा गया है, बुर्ज खलीफा. सो उनको एक तरह का रिस्पेक्ट दिया गया बिकॉज ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स. और ये शेख जायद रोड पे हम आ चुके हैं. आप देख सकते हैं कितने ब्यूटीफुल टावर्स हैं दोनों तरफ. इट इज द स्काईलाइन ऑफ दुबई. ये जो ज्यादातर आपको टावर्स नजर आ रहे हैं ये 1992 के बाद से लेके 2003 के बीच में ये बने. नहीं तो इसके पहले पूरा ये रेगिस्तान था. आप गूगल पे इसके ओल्ड पिक्चर्स देख सकते हैं. सॉरी, आप देख सकते हैं मेट्रो जिस तरीके से डिजाइन की गई है. ज्यादातर ये मॉल्स और ऑफिस एरिया से कनेक्ट होके जाती है. और जब कभी बादल आते हैं, बारिश होती है, तो ये बादल काफी नीचे होते हैं. आधे जो टावर्स हैं इसके ऊपर होते हैं. राइट हैंड साइड पे ब्यूटीफुल टावर है, दिस इज कॉल्ड द एमिरेट्स टावर. यहाँ जो है एक ऑफिस बिल्डिंग है. वन इज ऑफिस टावर एंड वन इज होटल टावर. जो यहाँ के रूलर है ज़ाइनिश शेख मोहम्मद, उनकी पर्सनल ऑफिस इसी के अंदर है और उसी के पीछे उनका रेसिडेंस है, पैलेस एरिया है. आगे आपको राइट हैंड साइड पे एक व्हाइट कलर की पुरानी सी बिल्डिंग नजर आएगी, दैट इज द वर्ल्ड ट्रेड सेंटर. आज दुनिया के सबसे बड़े एग्जीबिशन और इवेंट्स यहीं पर होते हैं. 1979 में क्वीन एलिजाबेथ ने इसे इनॉग्रेट किया था. इसके बारे में मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा. जब ये टावर कंस्ट्रक्ट किया जा रहा था, यहाँ के लोकल लोग जो है काफी गरीब थे. उन्होंने यहाँ के रूलर जो है उनको पूछा कि इसकी क्या जरूरत है, तो उन्होंने कहा था इसका जवाब आपको 20 साल बाद मिलेगा. और उनका विजन था, वो हर चीज 20 साल आगे की प्लानिंग करके चलते थे. और आज बड़े
बड़े बड़े इवेंट्स यहीं पर होते हैं और आप देख सकते हैं बहुत सारे मेजर इवेंट्स यहीं पर होते हैं। एक राउंड अबाउट है जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर राउंड अबाउट से जाना जाता है। बिल्कुल सामने आपको एक टावर नजर आ रहा होगा जिसपे ऐसा एक वर्ल्ड टाइप बना है, दैट इज एतिसलात, दैट इज द नेशनल टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर ऑफ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। यहाँ पे दो ही नेटवर्क चलते हैं, वन इज गवर्नमेंट एतिसलात और जो दूसरा है टू नेटवर्क दैट इज प्राइवेट, और कोई फॉरेन प्लेयर को यहाँ पे एंट्री नहीं है इन द टेलीकॉम सेक्टर। बिल्कुल आपको लेफ्ट साइड पे आप देखेंगे तो आपको एक एक चीज एक स्ट्रक्चर नजर आएगा, ये न्यूली कंस्ट्रक्टेड है, दैट इज कॉल्ड एज द दुबई फ्रेम, दुबई फोटो फ्रेम। ऊपर ऑब्जर्वेशन डेक है, जो बीच में जो ब्रिज है दैट इज द ऑब्जर्वेशन डेक। इसकी हाइट 150 feet के आसपास है और इसका जो कॉन्सेप्ट है, अगर आप इस तरफ खड़े रहकर देखते हैं तो आपको उस तरफ ओल्ड दुबई नजर आएगा और उस तरफ से देखेंगे तो इस तरफ न्यू दुबई और डाउनटाउन नजर आएगा। नहीं, दिस इज द दुबई फोटो फ्रेम, फोटो फ्रेम के जैसा बनाया था। जितने भी एसॉर्ट्स के लवर हैं, जितने भी एसॉर्ट को पसंद करते हैं, एसॉर्ट में काम करते हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और जितना हो सके इसको शेयर कीजिए।